खाना क्यों मार रहे हैं भाई। तो हम करे तो क्या करे बोलिए, हम अगर अभी साफ करते ना तो इस पत्ती सब झुक जाता है, हमसे टेढ़ा हो जाता है और फिर हवा ठीक देता नहीं है। इसी के लिए हम आपको बोले तो कहाँ से हवा देगा, एक पत्ती हल्का डाउन पे रहता है। हो गया, छोड़ दीजिए, ऊपर वाला का जरूरत नहीं है, पत्ती हो गया ना, छोड़ दीजिए ना। आप नीचे देखिए ना कितना मैला हो गया अभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल सुनील प्लस रीना ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हम लोग नहीं, मतलब हम अभी अच्छे हैं। फिलहाल मेरा चेहरा का नक्शा बिगड़ा हुआ है क्योंकि अभी हम कुछ भी किए नहीं हैं, कुछ भी मेकअप शेकअप किए नहीं है और तबीयत ठीक नहीं था, जिसके कारण बाल में पूरा तेल चपाचप लगा हुआ है। और इधर देखिए पतिदेव क्या कर रहे हैं। पंखा बहुत स्लो चल रहा था और 2 दिन से सिक्किम में थोड़ा कड़ा धूप निकल रहा है जिसके कारण थोड़ा गर्मी लग रही है, तो पंखा पूरा स्लो चल रहा था, उसका कारण है कि थोड़ा मैला हो गया है पंखा, तो इसी के लिए पोंछ रहे हैं। काश ऐसा पत्नी सबको भगवान दे कि पति ड्यूटी से आके भी घर में भी ड्यूटी करना पड़े। ऐसा बदनामी मत बोलिए तो अब क्या करें, मेरा हाथ नहीं चूमता है, मेरा हाथ चूमता है तो वो टेढ़ा हो जाता है, पत्ती टेढ़ा हो जाता है झुकाने का चक्कर में। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं कि काश भगवान ऐसा पत्नी सबको दे। हाँ पति जहाँ भी रहे, मतलब ये क्या बोले, कमेंट मार रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं? लोग को दुआ दे रहे हैं। हाँ दुआ दे रहे हैं ताकि सब कोई खुश रहे। नहीं देखिए इसमें है, अभी ये वाला में है, रियल में गंदा तो है ना। अब देखिएगा ये स्पीड कितना चलने लगेगा पोंछने के बाद। नहीं ऐसे ही इधर वाला में है, इसमें सोता है तो हवा जो आना चाहिए ना वो फ्रेश ही आना चाहिए, तो उसके तो साफ आपको करना पड़ेगा। हाँ और बाबू को भी सुलाएंगे क्योंकि 7 बज गया है, तो वो भी पूरा सोने के लिए खिनखिन करेगा। अभी तेल पानी लगा दिए हैं माँ, तो अभी सोएगा शायद। घर के काम करते रहना चाहिए, इसी में हंसता खेलता जीवन अच्छा से गुजरेगा, नहीं तो फिर कष्ट में गुजरेगा। और आज हम बहुत खुश हैं, रीजन बताइए। रीजन बताइए, रीजन बताइए कि हम फूफा बन गए हैं। हाँ और हम बुआ बन गए हैं। हाँ मतलब मेरे बड़े साला का बेटा हुआ है। तो आज हम लोग बहुत, मैं तो मतलब बहुत खुश हूँ आज। हो गया, हम लोग से ज़्यादा जिनका होगा वो खुश होंगे ना भाई। हाँ वो तो है, वो किसी का भी भाई होगा तो खुश ही होगा। पहला बेबी है, फर्स्ट बेबी है। देखिए नीचे कितना कचरा गिर रहा है। पंखा साफ तो चलेगा ही, पंखा साफ हो जाए तो चलेगा तेजी से। साफ जब भी करते हैं तो स्पीड चलता है, नहीं तो ऐसे स्लो हो जाता है पूरा। तो कल ही से पूरा स्लो हुआ था तो हमको लगा था, लेकिन हमने पंखा का हमेशा साफ ही रखना चाहिए, इससे हवा ले रहे हैं, सांस जा रहा है, इतना गंदा है। और जब चलता है ना तो क्या है कि नीचे से धूल टांगता है। अभी 2 काम है और एक काम है बस आपका, पंखा वाला हो गया और सिलेंडर ख़त्म हो गया था तो पापा जोड़ दिए हैं, लेकिन उसका उसके जगह पे नहीं रखे हैं क्योंकि वो वाला निकालने में बहुत दिक्कत हुआ है, पापा नहीं निकाल पाए। अब उसको निकालने के लिए, अभी घुसाने के लिए फिल्टर हटाना पड़ेगा। इसी तो बोल रहे हैं भगवान पति पत्नी ऐसा सबको दे। नहीं पति ऐसा सबको दे, पति भी सबको दे ताकि ड्यूटी से आए तो आराम करने का फुर्सत न दे। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतना ताना क्यों मार रहे हैं भाई। तो हम करे तो क्या करे बोलिए, हम अगर अभी साफ करते ना तो इस पत्ती सब झुक जाता है, हमसे टेढ़ा हो जाता है और फिर हवा ठीक देता नहीं है। इसी के लिए हम आपको बोले तो कहाँ से हवा देगा, एक पत्ती हल्का डाउन पे रहता है। हो गया, छोड़ दीजिए, ऊपर वाला का जरूरत नहीं है, पत्ती हो गया ना, छोड़ दीजिए ना। आप नीचे देखिए ना कितना मैला हो गया, अब इसके ऊपर ठीक से निकलेगा नहीं, इसके ऊपर निकलेगा तो सड़ जाता है। अपना मेहनत से अच्छा से करते ढंग से, तो चलिए कंपनी का हो, कंपनी के बाहर को। चलिए पंखा चालू करिए। अब देखिए पंखा कितना स्पीड चलता है, हिल रहा है क्यों? वो तो पंखा है। देखिए इनका हाइट देखिए कितना मस्त है, इतना हाइट मेरा कहाँ है, बौनी से ब्याह हो गया मेरा। इतना बौना भी नहीं है, 5 फुट कितना है आपका, 6 ना? मेरा 5 फुट 7 है और मेरा 5 फुट 3 है, तो खराब क्या है। तीन कम ऐसा चार कम हुआ ना। हाँ तो उसमें उतना चलता है भाई, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इतना चलता है कि नहीं चलता है। देखिए कितना स्पीड चलने लगा। तो अभी रिशु भी नहीं है, अपना फ्रेंड के घर गया, बहुत दिनों के बाद गया है वो अपना फ्रेंड के पास खेलने। हम भी अब चले खाना बनाने। अब खाना का कुछ भी तैयारी किए नहीं है तो जा रहे हैं, अब खाना बनाएंगे। है ख़त्म हो गया था घर में, तो अभी दूसरा सिलेंडर लगा रहे हैं। तो रीना जी इसके लिए पोछ रहे हैं, सफाई कर रहे हैं घर में। देखिए ये कोने में रखेंगे अभी। और दूसरा जो ख़त्म हो गया था वो सिलेंडर था, ये अभी भरा वो सिलेंडर है जो कि अभी यहाँ लगा रहे हैं। ऐसे नहीं अरे टूल के साथ ही तो निकाल देते हैं। ये था दो काम जो पतिदेव के हाथ में था, मेरे हाथ में नहीं था, तो इसी के लिए हम नहीं किए। अब जाएंगे खाना बनाने। अब खाना भी बनेगा क्या ये भी हमको पता नहीं है, देखते हैं माँ से पूछ। सब्जी इतना महंगा हो रखा है कि क्या बोले। टमाटर तो सस्ता है ना, टमाटर तो पूरा वर्ल्ड में अभी सस्ता है। इंडिया में पूरा सस्ता है, वर्ल्ड नहीं बोल सकता। इस बार ही लेकिन टमाटर इतना महंगा हुआ है ना, पहले भी हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ है, मतलब 200 पार कर गया है। और कहीं जितना भी रहे सिक्किम में 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लेता है। तो हो गया इनका काम। इधर बर्तन है, दुनिया भर काम चले। बर्तन धो के और फिर क्या है खाना बनाएंगे। हेलो फ्रेंड, देखिए रीना जी अभी घर में हम पंखा साफ कर रहे थे, पंखा साफ कर लिए, तो इधर काम भी करवा लिए। और उसके बाद रीना जी खुद भिड़े हैं खाना बनाने में, क्योंकि अभी तबीयत बहुत चंगा एकदम फर्स्ट क्लास हो गए हैं। तो घर के काम में भिड़ गए हैं। देखिए बाबू को सुलाने में टाइम लगा, इसीलिए छोटा वाला बाबू भी सो गया। हाँ इसी को तो भूल गए। हाँ तो अभी रीना जी सुलाने के बाद खाना भिड़े हैं। फटाफट सब्जी भी काट के दी, सब्जी काट ली। अभी रीना जी दूसरा सब्जी बनाए रात के लिए और दिन के तैयार सुबह लंच में, मतलब आलू का भुजिया है, मसाला वाला पनीर तैयार आ जाएगा, क्योंकि आलू का भुजिया, रोटी और लहसुन होता है ना, लहसुन मिर्ची तेल कुछ चटनी। हवा मस्त चल रहा है, अंधेरा में तो दिखा से बाहर का नज़ारा है, बहुत ठंडा ठंडा हवा चल लगा है, इससे जैसे पानी होगा यहाँ पे। तो देखिए ये जो बोल रहे थे लहसुन का बनाने के लिए, लहसुन है और ये है लहसुन का कुच्चा, लहसुन चटनी, लहसुन मिर्ची को पका दिया है, सरसों तेल है और नमक है। आज खाने में मजा आ रहा है, बिहारी स्टाइल है, एकदम बिहारी स्टाइल। आज सलाद काटेंगे, साथ में नींबू भी डाल दिए ना इसमें। हाँ थोड़ा सा नींबू डालो, खट्टा बन जाएगा, खट्टा मीठा हो जाएगा, मीठा नहीं होगा। हाँ खट्टा खट्टा तीता। और इधर भी आलू का भुजिया रेडी नहीं, थोड़ा सा और बन जाएगा। आलू का भुजिया बन के रेडी हो गया, रेडी लगभग है। मसाला डाल दीजिए। रीना जी खाना बना रही है सभी के लिए, और इधर अभी और बना भी रहे हैं। सब कोई खाना खा रहे हैं, सब कोई जल्दी बना रहे क्योंकि पानी भी पड़ रहा है, लाइन में आना जाना बार-बार हो रहा है, बार-बार जल्दी बना रहे क्योंकि बाबू कहीं उठना जैसे। ये मेरे लिए खाना निकल रहा है, बाकी लोग खा रहे हैं, दिखाइए बाकी लोग खा रहे हैं, दिखा रहे हैं। देखिए पापा लोग खा रहे हैं इधर में, और इधर में मेरे लिए भी खाना रेडी। देहाती खाना, ये रहा देहाती खाना। देहात में से खाता है दाल रोटी भुजिया सलाद, ये सब थोड़ा चीज़ का मज़ा ले। खीरा आप कुछ कम दिए क्योंकि सर्दी होता है ना, उससे हम भी आ गए खाना खाने। ये रहा आसन, ज़मीन पे लगा लिए हैं और बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो फ्रेंड, आज के हम लोग ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के साथ। तो अभी के लिए रखते हैं। अगर हम लोग को ब्लॉग अच्छा लगता है तो एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं है तो ज़रूर करें, और अगर दोस्तों में शेयर कर पाएँ तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारा ब्लॉग देखने की कोशिश करें और देखने वाले एक लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं। और अभी रखते हैं आज के लिए इतना ही, बस आपसे वीडियो पाए।